अमेंदर फ्रॉम टीम अमेंदर। होप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत ठीक रख रहे हैं और अपनी जर्नी बिता रहे हैं। सो आज का जो सा टॉपिक आप सबके लिए लेके आए हैं वो टॉपिक ये है कि कौन कौन से ऐसे मैक्सिमम मेथड्स हैं जिसकी वजह से आप अपने आप एक्सरसाइज या तो जिम में कर सकते हो या जिम के बगैर भी कर सकते हो। वो कौन से ऐसे 5 मेथड्स हैं जो आप खुद कर सकते हो। मेरे को पता है सारे के सारे आजकल जिम खोलने का वेट कर रहे हैं और एक्सरसाइज करना चाहते हैं। हमको बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं और पूरी दुनिया से आ रही हैं और सभी ये पूछ रहे हैं कि उमेंदर हमको कैसे सिखाएंगे, जिम तो खुले ही नहीं है, जब जिम खुलेंगे तब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमको आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टीम उमेंदर फुली कैपेबल है आपको किसी भी कंडीशन के ऊपर एक्सरसाइज कराने में, कुछ भी अवेलेबल हो उसमें भी एक्सरसाइज कराने के लिए कैपेबल हो, और वो कहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम उमेंदर को टीम उमेंदर क्रिएट करता है चीजें। तो आपको मैं बता दूं ऐसी मैक्सिमम चीजें जिसके कारण आप कोई भी ट्रेनिंग कर सकते हो वो मैं आज आपको बताता हूं। पहली जो उनकी ट्रेनिंग पैटर्न होती है उसको हम बोलते हैं एक्सरसाइजेस फ्री वेट के साथ। फ्री वेट ऐसी चीज है जो हमारी ट्रेडिशनल वर्कआउट के साथ बनी हुई है, जो हमारे पुष्टों से करते आ रहे हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स भी करते आ रहे हैं। फ्री वेट की एक्सरसाइज जो कि डंबल से होती है, प्लेट से होती है, रॉड से होती है और कहीं भी हो सकती है। आप डंबल जिम में भी रख सकते हो, आप डंबल घर में भी आराम से रख सकते हो और उसे बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको यह समझना होगा कि कोई भी चीज रेजिस्टेंस जो उनकी अर्थ के ऊपर है उसकी जो उनकी गिरने की क्षमता और ग्रेविटी का पुल है जिसका, वो हमेशा नीचे की तरफ होता है। इसलिए डंबल के साथ ट्रेनिंग करना एक आर्ट है। आपको एक्सरसाइजेस करने के लिए सीखना पड़ेगा, आपको सारी बॉडी पार्ट्स करने के लिए। अगर आप बिना सीखे करने की कोशिश करोगे तो डंबल्स या प्लेट्स या रॉड के साथ आप इंजर्ड भी हो सकते हो। बट ये सबसे आसान मेथड होता है हर एक के लिए करना, बट बिना सीखे नहीं करें। दूसरा मेथड जो सा आप सभी कर सकते हैं विच इज नोन एज एक्सरसाइज मशीन के साथ। सो मशीन एक ऐसी चीज होती है जो कि आपकी फिक्स्ड होती है बट वो पुली के साथ अटैच्ड होती है। एक वेट स्टैक होता है, वेट स्टैक एक रोप के साथ अटैच होता है, वो रोप आपकी पुली के साथ अटैच होती है और उस पुली में आपका हैंडल बना होता है और वो आप बहुत आराम से कर सकते हो और बहुत इजीली कर सकते हो। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज पैटर्न है और वो बहुत सेफ भी है। एक ही फर्क उसमें क्या है कि जो सी डंबल की आपकी ग्रेविटेशनल का जो सा डायरेक्शन था वो नीचे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बट मशीन में फायदा क्या होता है, आप उसकी डायरेक्शन कहीं पे भी चेंज कर सकते हो, किसी मर्जी डायरेक्शन में उसको आप ले जाइए और आप मशीन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो और एक्सरसाइज उसको उसी हिसाब से कर सकते हो। बट मशीन्स क्या है, खाली जिम्स में अवेलेबल है और जिम मशीन जो होती है बहुत कॉस्टली भी होती है। और अगर आप घर में भी अगर लाना चाहे तो आपकी मर्जी है, दैट्स आपकी अपनी चॉइस है कि आपके घर में जगह है रखने की और आप उतना अफोर्ड कर पाते हो तो आप मशीन लेके आ जाइए। बट ये दूसरा मेथड है। जो उनका तीसरा मेथड है वो सबसे आसान मेथड है और सब उस मेथड को भूल गए हैं। उस मेथड को बोलते हैं ट्रेनिंग अपनी बॉडी वेट से, इसको कैलिस्थेनिक ट्रेनिंग भी बोलते हैं। आपका अपना वजन भी तो वजन है, वजन तो वजन है हर एक के लिए। अगर आप यूएस में हैं, चाहे कनाडा में हैं, चाहे आप पंजाब में हैं, चाहे आप गुजरात में हैं, चाहे आप दिल्ली में हैं, वजन तो वजन ही रहेगा, हर जगह चेंज नहीं होगा। 10 किलो हर जगह सेम 10 किलो ही कहा जाएगा। ऐसे ही 10 किलो का डंबल, 10 किलो की प्लेट, 10 किलो का कोई भी मशीन में स्टैक प्लेट या 10 किलो की कोई चावल की बोरी या 10-15 किलो का कोई सिलेंडर या आपका कोई बच्चा जो 15 या 20 किलो का हो, सभी का वजन है। आपका अपना भी वजन जो सा है वो भी 50 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 100 किलो, कई जने तो 150 और 170 किलो के भी हैं। तो आपका अपना वजन आपका मशीन बन जाता है और जो कि सबसे आसान मेथड है और आप अपना वजन अपने साथ लेके हर जगह जाते हो। एक एग्जाम्पल दे देता हूं, जो भी एक्सरसाइज आप जिम में करते हो जिसको हम चेस्ट प्रेस बोलते हैं या फ्लैट बेंच प्रेस बोलते हैं, उसी को अगर आप पुशअप्स में करेंगे अपने बॉडी वेट के साथ तो जॉइंट्स को तो पता ही नहीं है कि आपने फोर्स उसको मशीन के साथ लगाया कि उसको बेंच प्रेस के साथ लगाया कि आप अपने बॉडी वेट के साथ लगाया। जॉइंट्स को नहीं पता, मसल को पता नहीं है कि उसका फोर्स उसका लोड कहां से आ रहा है, वो तो खाली उसके ऊपर
वर्क कर रहा है और उसी के तरफ चली जा रहा है। सो बॉडी वेट की ट्रेनिंग जो सी है, जब COVID-19 शुरू हुआ था उसी टाइम हमने शुरू किया था और आपके लिए ऑलरेडी टीम ओमिंदर बॉडी वेट की सीरीज ला चुकी है और बहुत ही अच्छी जा रही है, सबको बहुत पसंद आ रही है। और उसमें हमने एक एक मसल ग्रुप कवर किया है ताकि आप आराम से एक्सरसाइजेस घर में बिना किसी मशीन के लिए, आपको कोई इक्विपमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपनी बॉडी के साथ पूरी की पूरी ट्रेनिंग कर सकते हो। अगला मेथड जो उनसे आता है करने का, ह्यूमन बॉडी को ट्रेन करने का, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस ट्यूब। सो ट्यूब क्या होता है, एक इलास्टिक सा बैंड, एक इलास्टिक सी चीज होती है जिसकी एक स्ट्रेचेबिलिटी होती है कि आप उसको इतना खींच सकते हो, इसके ऊपर नहीं खींच सकता। तो हर एक बैंड की, हर एक ट्यूब की एक ना एक क्षमता होती है यहां से यहां उठाने की, और उस क्षमता को ही रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसका ना खिंचावपन जितना भी है उसको हम बोलते हैं कि उसमें कितना आप अप्लाई कर सकते हो वजन। तो वो बहुत सारी इंटेंसिटी में भी आती हैं, बट जितनी भी रेजिस्टेंस ट्यूब होती है वो एक हैंडल के साथ आती है और अपने बिगनर्स के लिए सबसे खूबसूरत एक्सरसाइज है ताकि आप उसमें एक्सरसाइज सीखें, उसकी एग्जीक्यूशन करें और जब भी जिम खुलेगा और सीधा जाएंगे और आपको, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो आती है आपको, अगर गाड़ी चलानी आती है तो आपको तेज चलाने के लिए खाली उसके एक्सेलेरेटर के ऊपर पैर रखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने ट्यूब में घर में इस टाइम एक्सरसाइज सीख ली तो आप जिम में जाके वही सेम एक्सरसाइज का पोस्चर उसी सेम पोस्चर से करेंगे और थोड़ा थोड़ा एड वेट करना शुरू कर देंगे अगर आपके पास बजट कम है। सो रेजिस्टेंस ट्यूब बहुत ही अच्छा मेथड है और बहुत हल्की होती है, आपके बैग में कहीं पे भी रखी जाएगी और आप उसको कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हो और कुछ भी ट्रेवल कर सकते हो। अगेन इसका भी फायदा वही है जो मशीन का था कि उसकी जो सी डायरेक्शन है ग्रेविटी की वो किसी भी डायरेक्शन में आप चेंज कर सकते हो, कोई भी मसल ग्रुप आप ट्रेन कर सकते हो। अगला जो सा मेथड है उस मेथड को बोलते हैं रेजिस्टेंस बैंड। रेजिस्टेंस बैंड सिमिलर है बिल्कुल रेजिस्टेंस ट्यूब की तरह, बट उसमें रेजिस्टेंस लेवल बहुत ज्यादा होता है और दूसरा क्या होता है उसमें हैंडल नहीं होता, बिना हैंडल का एक बैंड होता है जिसको हम बॉडी बिल्डिंग बैंड भी बोलते हैं, जो कि आप अगेन कहीं पे भी यूज कर सकते हो और कोई भी लेवल का यूज कर सकते हो, बिकॉज बैंड बहुत सारे लेवल्स में आते हैं, उसकी इंटेंसिटी जो है वो 45 किलो तक भी आती है और 50 किलो तक भी आती है और कुछ कुछ तो 70 किलो की इंटेंसिटी के साथ भी आते हैं। तो टीम ओमिंदर बहुत जल्दी आपके लिए सीरीज लेके आ रहा है जिसमें आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ एक्सरसाइज करेंगे और एक रेवोल्यूशन लेके आ रहा है टीम ओमिंदर जिसमें आप हर तरह की एक्सरसाइज जोन से भी जिम के अंदर करते थे, जितनी इंटेंसिटी से भी करते थे उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी एक्शन के साथ आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ ट्रेनिंग करेंगे और उसकी पूरी की पूरी सीरीज आ रही है। वो पूरी की पूरी सीरीज एक कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज है, जो भी ज्वाइन करेगा टीम ओमिंदर उसको वो मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत सी सीरीज और रेवोल्यूशन लेके आएगी उस सीरीज को। जो अगला और लास्ट मेथड है उस मेथड को बोलते हैं ट्रेनिंग अपने घर की चीजों के साथ। आपके घर में, बहुत सारे घरों में बकेट्स हैं, घर में सिलेंडर है, बोरी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हर चीज में वजन है। आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा इस चीज के लिए, घर की चीजों से एक्सरसाइज करने के लिए, और आप बहुत इजीली एक्सरसाइज कर पाओगे। हर जगह वजन है, आप अगर अपनी बाल्टी में भी अगर उसमें पानी डालते हैं तो वो 10 किलो भी बन जाएगा, 15 भी बन जाएगा, 20 किलो भी बन जाएगा। तो आप अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से उसमें पानी भरिए और उसकी इंटेंसिटी क्रिएट करिए और उसे कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी चावल की बोरी है, आटे की बोरी है, सिलेंडर है, सो मेनी थिंग्स जिसमें हर चीज में वजन है और आप उससे कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। बट एक ही चीज है कि आप अगर चाहते हो, अगर आपकी विल नहीं है करने की एक्सरसाइज, तो आपका जिम खुल भी जाएगा ना तब भी आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये पॉसिबल मेथड्स हैं सारे के सारे, आप खुद कर सकते हो, जरूर करिए। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं। और अपने आप एक्सरसाइज जिसको नहीं आती वो प्लीज ना करें, बिकॉज वो इंजर्ड हो जाएंगे। टीम ज्वाइन करें, हम सिखाएंगे आपको और आपको 100% इंडिपेंडेंट कर देंगे पूरी लाइफ के लिए। ये हमारा आप सभी को प्रॉमिस है। और आप अच्छी तरह सेहत बनाते रहिए और आप टीम ओमिंदर को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारा एक ही मकसद होता है कि आपको इंडिपेंडेंट करना और आपको गोल अचीव कराना। सो होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आप ऐसे ही एक्सरसाइज करते रहिए और ऐसे ही हमको प्यार करते रहिए। धन्यवाद, पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। टीम ओमिंदर।